बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपको होस्ट मोहम्मद हुसैन, एबी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम हम लोग बहरिया टाउन 2 बीटीके 2 में खड़े हुए, जिसका मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों को इंतज़ार था और सब लोग इसके अनाउंसमेंट डेट का इंतज़ार कर रहे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहरिया टाउन 2 की मेन एंट्रेंस है, और अगर आप इस एंट्रेंस का साइज़ देखें तो ये बहरिया टाउन 1 से भी तकरीबन दुगनी एंट्रेंस है। इसकी वजह यह कि बहरिया टाउन 2 जो है, यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के साथ साथ बहरिया ने पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस करवाया है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लॉट्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, तो यहाँ पे पूरे इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, जिसकी वजह से जो कराची के बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो इस तरफ मूव होंगी, जिनकी वजह से यहाँ पर जॉब के बहुत सारे मौके होंगे और आम लोगों के लिए यहाँ पर एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो मौजूद है, ये यहाँ की मेन जो सबसे मेन स्क्वायर है वो ये है, जिस तरह के बहरिया टाउन 1 में तौहीद कमर्शियल था, इस तरह से यहाँ पर है। और ये जो रोड जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ बहरिया टाउन 1 में, जैसे जिन्ना एवेन्यू है तो इसका नाम इकबाल एवेन्यू रखा जाएगा। तो ये रोड जो है वो काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत तेज़ी से जारी है, और हर तरफ यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये प्लॉट जो होंगे वो सारे आपके इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल होंगे, तो इसके लिए जो है ये परचेज़ के लिए बहुत आसान होगा कि आप आसानी से इनको परचेज़ कर सकेंगे। और इस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बहरिया टाउन 2 की जो अभी तक हमारे पास है, और जैसे ही इसके अनाउंस डेट का कुछ अनाउंसमेंट आती है तो हम आपको उसके हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कोई अपडेट्स आपको मिलते रहें, टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच।